सो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस एक और न्यू वीडियो में और एक नए अंदाज में आपके लिए लाए हैं एक और ब्लॉग। सो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और उससे पहले उसी चीज़ का जो कि हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं आपके पास कि सबसे पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। सो गाइस अभी आप देख ही पा रहे हो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ये है सरसों के फूल। ये सरसों के फूल है जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि पिछली बार जो मतलब ये पूरे खेत में छा जाता है, लेकिन मैंने आपको दिखाई रखा था कि मतलब पानी पूरा भर जाने की वजह से यहाँ पे पूरा फसल ख़राब हो चुका था। और ये जितने मतलब पानी ख़त्म होने के बाद लगाए थे ना, वही वाले सिर्फ सरसों के फूल यहाँ पर अटके पड़े। सो गाइस तो अब दूसरे लोकेशन पे जाके आपको दिखाते और भी बढ़िया चीज़ें। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि फावड़ा मेरे हाथ में और ये पूरा मिट्टी उखाड़ पड़ा है। सो गाइज आपको बता दो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो, ये मैंने नहीं किया है गाइज, ये मैंने अपने फ्रेंड से मांगा है कि देखिए ये देखो फावड़ा इस तरह का होता है। और मतलब ये एक तो फावड़े से भी किया जाता है और एक जो होता है ट्रैक्टर, मतलब जो लोग खुद कर पाते हैं वो तो अपना फावड़ा चला लेते और मतलब जो पैसे वैसे दे के करा लेते या फिर बड़ी ज़मीन होती है वो फिर अपना ट्रैक्टर का यूज़ करने लगते हैं। एक बार फिर से हम पहुंच गए बिल्कुल टावर के नीचे। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि कितना बड़ा टावर है, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा टावर है जो कि बिल्कुल खेतों खेतों में लगा है और खेतों के अलावा कहीं लग भी नहीं सकता। जैसे शहरों में होता है ना कि बिल्डिंग के ऊपर छत के ऊपर लगा लेते, लेकिन ये साइज़ देख रहे हो आप, इतना बड़ा साइज़ है जो कि यहाँ पर लग ही नहीं, खेत के अलावा लग ही नहीं सकता। सो गाइस इसको भी मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा टावर कैसा है। और सब अब रह गया है प्याज की मतलब जो रुवाई हो रही है ना, अगर मैं होता तो आपको ज़रूर दिखाता, क्योंकि एक तो गांव उस वजह से वो अपना रिकॉर्डिंग करने नहीं देते इस वजह से। सो गाइस चलो अब दूसरे लोकेशन पे चलते हैं। देखा वो है प्याज का चारा। प्याज का चारा का मतलब ये नहीं है कि मतलब वहीं पे प्याज आ जाएगा। सो गाइस ये चारा है जो कि स्पेशली बुना जाता है और बिल्कुल मेरे फ्रंट में देखो
यहाँ पे जो है प्याज अलग अलग बिठा रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्याज है ना वो प्रिपेयर होगा, और वहाँ पे जो है उन छोटे छोटे चारा को उठाकर जैसे पानी पूरे में भर दिया जाता है, भर के उसमें बिठा दिया जाता है। कैसा लगा वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर जनाइएगा। और सो गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सब्सक्राइब करके सबसे पहले आप रख लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और वीडियो क्वालिटी और वीडियो क्रिएटिविटी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉय एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel, but don't forget to press the bell icon.